प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अधूरी है। पूरी कहानी हम सुनेंगे अक्टूबर 2024 के बाद। आज है पहले आपको मैं दिखा दूँ, अक्टूबर की 30 तारीख है और रात के 9:30 हो चुके हैं। कहानी कुछ यूँ है कि अक्टूबर 2024 के महीने में आज से ठीक 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स बिफोर, एक बंदे ने कराची सिटी के अंदर दावा किया। उसने वीडियो रिलीज़ कर दी। उसने वीडियो रिलीज़ की और उस पर लिखा, गर्मी का बादशाह अल्लाह है और काफिरों को अजाब देने में शहनशाह है। तो फिर ये वीडियो उसने रिलीज़ की। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट पड़ जाता है। कराची सिटी एक ऐसा सिटी जहाँ पर अक्टूबर के ही महीने के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बादल आ रहे थे, बारिश हो रही थी, पता नहीं क्या कुछ होना शुरू हो गया था। अचानक से वहाँ पर एक तब्दीली आई और जैसे ही उस बंदे की वीडियो आती है, आप देख सकते हैं कि अब ऊपर की जानिब जब मैं वीडियो लेके जाऊँगा जो अपलोड होती हुई आ रही है, तो अचानक से मौसम में तब्दीली पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर उस बंदे की अचानक से एक और वीडियो आती है कि लो चखो गर्मी का अजाब। ये वीडियो आती है तकरीबन 13 दिन पहले, ठीक है, कि तुम्हारे बाप की अगर चलती है तो करवाओ आज के दिन बारिश। वीडियो पर उसने टाइटल दिया, लो चखो गर्मी का अजाब। उसके बाद सीन क्या होता है कराची सिटी में, अब उसकी वीडियो फुटेज आती है। तो सीन क्या है जी, अब आप देखेंगे गर्मी गर्मी, सूरज 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 चल रहा है, लेकिन फिर अचानक कराची सिटी की मीडिया रिपोर्ट्स बदलना शुरू हो जाती हैं। वो एंट्रियाँ आती हैं और उस बंदे की वीडियोस में अल्लाह के नाम भी दिख रहे होते हैं, और उसके बाद वो आता है मीडिया की रिपोर्टों को लेता हुआ, उनको काउंटर करता हुआ, रिप्लाई टू दिस न्यूज़, रिप्लाई टू दैट न्यूज़, और फिर वो आके बताना शुरू करता है कराची में गर्मी का राज है, फिर कराची में सर्दी की एंट्री कब होगी, महकमा मौसमियात वाले टीवी वाले परेशान हो गए, फिर इस बंदे ने गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं को चैलेंज करना शुरू कर दिया, तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा, गैर मुस्लिमों लो देखो कराची सिटी का हशर। फिर उसने वीडियो दी, मेरे पैर चल रहे हैं इतनी गर्मी हो गई कराची शहर में, और उसके बाद उसकी मजीद वीडियो आना शुरू हो जाती है कराची में। फिर उसने बारिश करवाने का ओपन चैलेंज कर दिया और ये चैलेंज उसने 9 दिन पहले दिया, मैंने डेट बता दी और दिखा दी आपको, आज 30 अक्टूबर 2024 है। फिर कराची में उसने बारिश का जब ऑफ चैलेंज किया, उसके बाद उसकी और वीडियोज़ आती हैं, नॉन मुस्लिम्स आर गेटिंग डिफीटेड विद फॉल्स गॉड्स। फिर उसने गर्मी के हवाले से, फिर उसने इधर ऑप्शन दिया, फिर ये कौन है जी, मरियम औरंगजेब, आर्टिफिशियल रेनिंग पर उसने ऑप्शन दिया। लेकिन उसकी वीडियोस में एक बड़ी ख़ास बात थी कि गर्मी 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 गर्मी, कराची में आग बरसने लगी, कराची में ये मौसम कब तब्दील होगा, सरदार सरफराज साहब भी परेशान हो गए हैं। फिर उसके पास अल्लाह के नाम के सिग्नेचर आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसने वीडियो रिलीज़ की, उसके बाद फिर वो आगे गर्मियों के साथ, शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाएगा, महकमा मौसम आपने खबरदार किया, अलर्ट जारी हो गया, खतरे की घंटी बजा दी गई। फिर वो बंदा आता है, फिर लेक्चर्स देता है, खिताब करता है, फिर कराची में शदीद गर्मी, आज का दिन भी गर्मी में, कराची में शदीद गर्मी, महकमा मौसमियात की गर्मी, कराची की समंदर की हवाएं बंद हो गई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बहरहाल एक वीडियो आती है, उसके अंदर इसने क्रिश्चियनिटी के हवाले से इनको बस्ट कर दिया, मतलब इनकी क्रिश्चियनिटी को ज़मीन में दफन कर दिया, ऐसे दलाइल और लॉजिक दिए, इसको ज़रूर सुनना। फिर कराची में क़यामत खैज़ गर्मी, और फिर ये 8 घंटे पहले की उसकी एक वीडियो, कराची में गर्मी का मौजा, बारिश बंद, गर्मी शुरू, अल्लाह इज़ किंग ऑफ क्लाउड्स वाटर ट्रीज़ विंड्स हीट वेव एंड सन। तो ये है फिलहाल की उसकी यहाँ तक की अभी अपडेट। फिलहाल आप इसके चैनल को ज़रूर देखिएगा, इस बंदे के लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद, इसका दावा है कि अल्लाह इज़ रियल गॉड एंड ऑल पावर्स बिलोंग टू हिम। अब ये बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम गैर मुस्लिमों को ज़रूर बताएँ ताकि वो सब के सब कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाएं। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप तो सबसे पहले कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाएं, क्योंकि ये जो कुछ भी आप देखेंगे ये गैर मुस्लिमों के लिए रिप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना, परफॉर्म करना नामुमकिन है हमेशा के लिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई खुदा है ही नहीं। तो वो दस्तखत जो इसके साथ मौजूद है, इसी बंदे के साथ, ये दस्तखत दरख्तों के ज़रिए, बादलों के ज़रिए, आसमान के ज़रिए, ज़मीनों आसमानों पर कोई भी अल्लाह के मुकाबले पर आके नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब ये है ना, अल्लाह इज़ रियल गॉड, तो बस ट्रुथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हर धर्मी को छोड़ देना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं था ज़ीशान अरशद, लेजेंडरी फिलॉसफर ऑफ पाकिस्तान, बाय द मर्ज़ी ऑफ अल्लाह। अल्लाह हू अकबर।